आज मैं आपको जो गलता लोहा है पाठ, जो शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया है, उसके सारांश के बारे में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ या कहानी गलता लोहा लेखक शेखर जोशी के द्वारा लिखित है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधित्व नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ और गंभीरता उतनी ही अधिक। लेखक की मुखर टिप्पणी के बगैर पूरे पाठ कि किसी पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देखते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों से उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाती है। मोहन का व्यक्तित्व जाति आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की कई जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा है। लेखक बताते हैं कि मोहन के पैर स्वयं ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ जाते हैं। उसके मन में कहीं न कहीं धनराम लोहार की आफर की आवाज शेष थी, जो 3-4 दिनों से वह दुकान की ओर जाते हुए दूर से ही सुन रहा था। जैसे लाल गर्म लोहे पर हथौड़े से पीटने की आवाज वह दूर से ही पहचान सकता हो। एक दिन मोहन खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से हंसुए को लेकर घर से निकला था। उनके पिता बंशीधर पुरोताही का काम कर अपना घर चलाते थे, परंतु जब वे इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनके बस का अब यह काम नहीं था, यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन बुढ़ापे का यह शरीर इतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह गहरी सांस लेकर वे सहारा पाने के उद्देश्य से कहते, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था, परंतु अब जी के लिए रुद्र पाठ करना परंतु अब मुश्किल लग रहा है कि जाऊं पाऊंगा, 2 मील की सीधी चढ़ाई अब मेरे बस की बात नहीं है। अब अचानक से ना भी कहीं कहा जा सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन अपने पिता का आशय तो समझ चुका था, परंतु उसे अनुष्ठान कर पाने का उसे अनुभव नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उसका भार हल्का करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया, जैसे कि बात हवा में कर दी गई हो। उनका सवाल अनुत्तरित रह गया। पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन खेतों की ओर चला था, फिर उसे आभास हुआ जैसे हंसुए की धार खत्म हो चुकी है। वह उसे लेकर धनराम के पास भट्टी पहुंचा। मोहन ने उसे पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह जो अब गुजर गए होंगे, वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक आ गई थी। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं तो आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था।
दोनों हंसने लगे और अपने बचपन के उस समय को याद करने लगे। त्रिलोक सिंह जी स्कूल की चार दीवारी के अंदर आते और सारे बच्चों से पूछते कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर लिया। फिर एक कड़ी आवाज में पूछते, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पढ़ाई के साथ गायन में भी अव्वल था। उसे मास्टर साहब ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया हुआ था। मोहन से मास्टर साहब की बहुत उम्मीदें थी। अगर कोई सवाल पूरे क्लास को नहीं आता, वह सवाल मोहन से ही पूछा करते और मोहन उसका सही सही उत्तर जवाब भी देता और उन्हें संतुष्ट कर देता। उसके बाद मास्टर साहब उन लड़कों को दंड देने का भार भी मोहन के ऊपर ही डाल देते थे और मोहन को आदेश देते हुए कहते, खींच इसका कान और लगवा इसे 10 बार उठक बैठक। उन लड़कों के में धनी राम भी था, जिसे अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार कान खिंचवाने पड़े थे। मोहन के प्रति थोड़ी ईर्ष्या रहने के बाद भी धनराम के मन में उसके लिए खिंचवाने पड़े थे मोहन के प्रति थोड़ी ईर्ष्या रहने के बाद भी धनराम के कान मन में उसके लिए स्नेह और आदर का भाव रहता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर यह कहा करते थे कि एक दिन मोहन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उनका नाम ऊंचा करेगा। धनराम उन बाकी शिष्यों की तरह था, जिन पर मास्टर जी कभी कभी ही ध्यान दिया करते थे। एक दिन मास्टर जी ने धनराम से 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा, पर उसे 13 का उसे 12 तक का पहाड़ा तो जैसे जैसे याद हो गया, परंतु 13 का पहाड़ा याद करना उसे पहाड़ लगने लगा था। जैसे ही उसने 13 का पहाड़ा गलत सुनाना शुरू किया, मास्टर जी ने उसे डंडे से मारने लगे। डंडे के टूट जाने पर मास्टर जी उसी से डंडा लाने को कहते। मास्टर जी का नियम था, मार खाने वाले को खुद के लिए हथियार जुटाना पड़ता था। धनराम को डर की वजह से 13 का पहाड़ा याद ही नहीं हो रहा था। छुट्टी के समय मास्टर जी उसे 13 का पहाड़ा फिर से सुनाने को कहते। वो सुनाते सुनाते लड़खड़ाने लगा तो मास्टर जी कहते, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप इसमें कैसे लगेगा। और 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए धरा देते, क्योंकि धनराम के पिता धनराम को बचपन से ही अपने साथ काम करने के लिए उलझा देते थे। गंगाराम की मृत्यु के बाद धनराम उनकी विरासत को संभालने में लग गया। प्राइमरी स्कूल पास करने पर मोहन को छात्रवृत्ति मिली, जिससे कि त्रिलोक मास्टर की भविष्यवाणी कुछ हद तक सही साबित हुई, जिससे कि मोहन के पिता का भी हौसला बढ़ गया। वह भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। मोहन का स्कूल काफी दूर था, वहां जाने के लिए नदी पार करना होता था। बरसात के दिनों में नदी पार करना बरसात के दिनों में नदी पार अपने उफान पर होता, जिससे कि मोहन को बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता। उसके पापा उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। लेखक बताते हैं कि एक बार बिरादरी के ही एक संपन्न परिवार का युवक लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब मोहन के पिता ने अपने बेटे के पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की, तो उन्होंने सहानुभूति जताते हुए उन्हें सुझाव दिया कि उसे लखनऊ शहर में उनके बेटे के पास भेज दें, ताकि वो वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। परंतु मोहन शहर जाकर घर के कामकाज में हाथ बताने का एक साधन बनकर रह जाता। गांव का मेघावी छात्र शहर जाकर
एक मामूली से छात्र बन जाता है। आठवीं कक्षा की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसके आगे की पढ़ाई के लिए रमेश के परिवार में कोई तैयार ना था और उसे हाथ का हुनर सीखने को कहते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बात करते करते बचपन से लेकर अब तक के कई प्रसंगों पर वे बात कर चुके थे। धनराम ने मोहन के हंसुए को धार लगाकर उसे दे दिया और भूल चूक के लिए माफी मांगी। मोहन वही हंसुए को लेकर बैठा रहा जैसे उसे जाने की कोई जल्दी ना हो। समानतः ब्राह्मण टोली के लोगों का शिल्पकार टोली में उठना बैठना नहीं होता था। धनराम को एक लोहे को उचित ढंग से मोड़ने में कठिनाई हो रही थी। मोहन पहले तो उसे देख रहा था पर उसके बाद उसने अपना संकोच छोड़कर उसकी मदद करने का के लिए उस लोहे को ठोक पीट कर गोले का रूप दे डाला। धनराम पुरोहित खानदान के लड़के के इस कारनामे को देखता रह गया। धनराम संकोच और धर्म संकट की स्थिति में खड़ा था और उधर मोहन संतुष्ट भाव से अपने बनाए हुए गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। मोहन धनराम की आंखों में अपने कारीगरी की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। मोहन धनराम की अपने कारीगरी की स्वीकृति पाने की चाह में देख रहा था। मोहन की आंखों में एक चमक थी जिसमें ना किसी से कोई स्पर्धा थी और ना ही किसी तरह से हार जीत का भाव। गलता लोहा पाठ का जो उद्देश्य है, इससे बच्चों क्या शिक्षा मिलती है, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। गलता लोहा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि एक एक युवक मोहन अपने जीवन काल में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका होता है कि एक समय में उसे जाति अभिमान बेईमानी लगने लगती है और उसे जाति आधार पर निर्मित भाईचारे की असली हकीकत मालूम होती है। उसे कोई भी काम छोटा प्रतीत नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में मोहन ब्राह्मण होकर भी लोहार का काम करने में खुद को छोटा महसूस नहीं करता। बच्चों, ये जो गलता लोहा है, इसके बारे में जो समाज में जातिगत अभिमान और जो भेदभाव है, उसके बारे में शेखर जोशी जी ने जो ये लेख लिखा है, जो वर्णन किया है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है और आप लोग को मैंने गलता लोहा का जो सारांश है, इस पाठ का जो सारांश है और इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में आपको बताया पढ़ाया। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए और कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।